सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम टू टेकी पंडित। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में। तो दोस्तों ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2015 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन विद मिशन की 2022 तक सबके पास अपना घर हो। ये स्कीम वही अवेल कर सकते हैं जो 2011 में आइडेंटिफाई किए गए 4041 स्टैचुटरी टाउन्स में रहते हैं, वही लोग इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। या उसके अलावा 275 एडिशनल टाउन्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं उनमें भी ये स्कीम एप्लीकेबल है। तो उन टाउन्स के बारे में जानने के लिए आप ये रेड में दी गई वेबसाइट nhb.org.in पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका टाउन इसमें फॉल करता है कि नहीं। तो आइए बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन कौन लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्लीकेंट हाउस होल्ड शुड नॉट ऑन ए पक्का हाउस। जो एप्लीकेंट है उसके नाम पे कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट या उसकी वाइफ, दोनों में से किसी के नाम पे भी एक पक्का घर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि एप्लीकेंट ने कभी भी किसी तरह की गवर्नमेंट स्कीम, हाउसिंग स्कीम स्पेशली अवेल नहीं की होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन स्पेशली एक ग्रुप के लिए EWS और LIG। EWS LIG क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप ये स्कीम अवेल करना चाहते हैं तो आपका जो घर होगा या तो एप्लीकेंट जो मेल एप्लीकेंट है उसके नाम पे होगा, उसके साथ में उसको को मेंबरशिप, अपने घर पे किसी फीमेल को मेंबरशिप देनी पड़ेगी, को ऑनरशिप देनी पड़ेगी, या फिर सोल फीमेल के नाम पे हो सकता है, लेकिन फीमेल मेंबरशिप इस केस में मैंडेटरी है। सेकंड केस है MIG, इसमें फीमेल मेंबरशिप मांगी गई है बट ये मैंडेटरी नहीं है। और लास्ट है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें जो टाउन नोटिफाई किए गए थे वही एलिजिबल हैं और मे बी ये आगे टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। बेनिफिशियरी फैमिली को आप कैसे आप जज करेंगे कि ये फैमिली है, उसके लिए कंडीशन बताई गई है हस्बैंड वाइफ अनमैरिड सन्स और अनमैरिड डॉटर्स, ये सारे मिलके फैमिली बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। जो सब्सिडी स्कीम है वो उसके लिए कुछ सेक्शंस बनाई गई हैं जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS, LIG लो इनकम ग्रुप, MIG 1 मिड इनकम ग्रुप, MIG 2 मिड इनकम ग्रुप 2, ये चार सेक्शंस बनाई गई हैं। तो इस पे ही आगे हम बात करेंगे। मैक्सिमम टेन्योर इन ईच केस, चारों केसेस में मैक्सिमम टेन्योर जो है 20 इयर्स है, 20 साल में आपको पैसा वापस करना होगा, रीपेमेंट करनी होगी। नेक्स्ट है एनुअल हाउस होल्ड इनकम। EWS में 3 लाख तक जिस हाउस होल्ड की इनकम है, हाउस होल्ड बनाता है, जैसे आपको पहले बताया मैंने हस्बैंड वाइफ अनमैरिड डॉटर एंड सन, चारों को मिला के इनकम आप चारों को इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, उन चारों के इनकम 3 लाख तक है अगर, तो ये EWS में आएगा, 3 लाख से लेके 6 लाख तक LIG में आएगा, 6 लाख से 12 लाख तक MIG 1 में आएगा, 12 से 18 तक MIG 2 में आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट सब्सिडी, 6.5% फॉर EWS, 6.5% फॉर LIG, 4% MIG 1, 3% MIG 2। तो सबसे ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है EWS और लो इनकम ग्रुप को, और लीस्ट है MIG 2 में 3%। और अब ये है लोन अमाउंट पे भी एक सीलिंग है कि कितना आप मैक्सिमम लोन अवेल कर सकते हैं,
फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम है 6 लाख, एलआईजी में मैक्सिमम 6 लाख, एमआईजी 1 में 9 लाख, एमआईजी 2 में 12 लाख। इतने तक का लोन अगर होगा तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। आगे हम बात करते हैं कि कारपेट एरिया की। तो दोस्तों कारपेट एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया हमारा जो वॉल्स का एरिया एक्सक्लूड करके, वॉल्स और स्टेयर केसेस का एरिया जो एक्सक्लूड करके जो एरिया बचता है उसको कारपेट एरिया कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा कि जिस एरिया पे आप कारपेट बिछा सकते हैं उसको कारपेट एरिया कहते हैं। तो उस पे भी एक सीलिंग दी गई है, आप कितना बड़ा घर या कितने स्क्वायर मीटर तक का घर आप ले सकते हैं फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम है 30 स्क्वायर मीटर, एलआईजी में 60 स्क्वायर मीटर, एमआईजी 1 में 120 स्क्वायर मीटर, एमआईजी 2 में 150 स्क्वायर मीटर। अर्लियर इट वाज 90 स्क्वायर मीटर फॉर एमआईजी 1 एंड 110 स्क्वायर मीटर फॉर एमआईजी 2। ये रिवाइज किया गया है अब लोगों की डिमांड को देखते हुए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो सकें। गवर्नमेंट ने अभी इसको रिवाइज़ किया है, 90 से बढ़ा के 120 फॉर एम आई जी 1, 110 से बढ़ाकर 150 स्क्वायर मीटर किया गया है फॉर एम आई जी 2। तो दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड मैंडेटरी है, बाकी दूसरा वोटर कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट और एनी अदर यूनिक नंबर। और लास्ट है कि आपको ऑनरशिप फ्रॉम रेवेन्यू अथॉरिटी, मतलब आपको अपनी रेवेन्यू अथॉरिटी लाइक तहसीलदार से आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि आपके नाम पे कोई पक्का मकान ऑलरेडी नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो सब्सिडी अमाउंट एक रफ एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ मैं, ये सब्सिडी अराउंड 2 लाख के करीब बैठेगी आपको। 2 लाख तक गवर्नमेंट देगी, आपके जो लोन का पार्ट होगा 2 लाख तक गवर्नमेंट देगी आपको। तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम है लो इनकम ग्रुप लोगों के लिए, काफ़ी रिलीफ मिलता है इससे। तो बाकी हम कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाएंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ये कुछ केसेस हैं, कुछ सिनेरियोज हैं, जैसे आप जब मैंने आपको बताया सारी चीज़ें आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे, वैसे ही कुछ हमने कुछ केसेस को लिया है। जैसे फर्स्ट केस में हम लेते हैं कि हाउस होल्ड इनकम 10 लाख है, 10 लाख है तो ये एम आई जी 1 में आएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि अलग अलग सेक्शंस थी, 6 से 12 लाख तक एम आई जी 1, ये 10 लाख है तो एम आई जी 1 में आएगा। तो फैमिली है वो घर खरीदना चाहती है एंड डज नॉट वॉन्ट प्रॉपर्टी टू बी जॉइंट इन, और वो उसमें फीमेल का नाम नहीं रखना चाहते हैं, क्या वो घर ले सकते हैं? भी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि इसमें एम आई जी जो है मिड इनकम ग्रुप में ये डिज़ायरेबल है पर मैंडेटरी नहीं है कि आप फीमेल का नाम आपको जोड़ना ही है। सेकंड सिनेरियो में लेते हैं हम, फीमेल, एक फीमेल है उसके नाम पे घर है बिफोर मैरिज, शादी से पहले उसकी शादी हो जाती है, उसका हस्बैंड घर लेना चाहता है और सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है, क्या उसको सब्सिडी मिलेगी कि नहीं? क्योंकि हमारी सबसे पहली कंडीशन यही है कि एप्लीकेंट या उसकी वाइफ के नाम पे, दोनों में से भी किसी के नाम पे घर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो एलिजिबल नहीं है सेकंड हाउस के लिए, उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। थर्ड सिनेरियो लास्ट हम बात करेंगे, एक 23 साल का लड़का है जो अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट कहीं जॉब करता है और वो नौकरी करता है और वो बाहर रहता है, उसको घर की ज़रूरत है, तो उसके पास तो कोई फीमेल नहीं है, अनमैरिड है, क्या वो ले सकता है लोन? हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट ने छूट रखी है कि इंडिविजुअल अर्निंग मेंबर जो है रिस्पेक्टिव ऑफ हिज मैरिटल स्टेटस में भी कंसिडर्ड एज सेपरेट हाउस होल्ड, वो अपने आप को सेपरेट हाउस होल्ड शो करके कि वो सेपरेट हाउस होल्डर है, अलग रह रहा है, वो स्कीम का फ़ायदा ले सकता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस एलआईजी में ही क्यों ना आता हो, क्योंकि वो अकेला रह रहा है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उसको लोन की ज़रूरत है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, अगर फिर भी किसी की क्वेरीज हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, जैसा आप जानते हैं मैं ज़रूर सबके ईमेल्स का और
मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक भी कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। गुड डे। शब खैर।